जैसन की रवा सब देखत बनी ये मुकाबला विरा हो रहल बा परशुराम यादव जी के साथ में ये मुकाबला गीत हो रहल बा। मास्टर हमरे के गीत संकेत कैलन कोनो दुल्हन के दुल्हा बड़ा नशेड़ी रहलन आ जब नशा पी के आवन नशा पी के जब आव मेहरारू देखे तो बड़ा दुखित रहे और रहल ककरे जैसा ये नहीं जैसा बाबा बाबा दुल्हन का पार पर हाथ धैले बस सोचे था करम फूट गई का करम फूट गई। अरे मिलल दारू बाजब बलमुआ तोरी दिहल सपना ओ हो मिलल दारू बाज बलमुआ तोरी दिहल सपना। अरे दारू दारू रोज चढ़ावे चुम्मा मांगे छी खाना दारू दारू रोज चढ़ावे जैसन की तमाम गीत रवा सब सुनीला मंच के माध्यम से भी और ये महुआ चैनल पर भी आप लोगों के बीच में ही गीत जा रहल बा। आ यहाँ के सब जाने ला कि परशुराम यादव भीषम जी हैं बिरहा के वास्तविक में यहाँ के भीषम हई लेकिन आज तो मुकाबला हो ही गई बा था तो चली जाइए भीषम जी बड़ी पुरान कवाली के टुकड़ा लग गई आ कौन कवाली के टुकड़ा है मोटर जी तकाबे में लेकिन बिरहा में भाव को भी लिख ले हुए अरे प्यारा जिनी तो जो वतनी का बंदा है हिंदुस्तान आ देखा सोचबा खाली मर्दने के राजा हमें आराम के भी उतने बरोबरी आई गेला वाह 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 एगो नारी के कहानी बा कैसन कहानी बा जवानी जोश में दरिया कसम नगीना थी काली कचना रथी हसीनों में हसीना थी चले गजराज जैसे चाल भी मस्तानी थी उम्र 18 साल की चढ़ी जवानी थी
उसको देख करके चांद भी शर्माता था, नजारा नैन का खंजर खूनी चलाता था। एक एक मिनट में कहानी समझ। चित्तौड़ के राजा राजा रतन सिंह, उनकर दुल्हीन जो ने दुल्हीन के नाम पद्मिनी बतावल गई, इतनी सुंदर इतनी सुंदर, आखिर पद्मिनी के सोर हो गई कि राजा रतन सेन के मेहरारू बड़ा नीक बा। सोच गया दिल के अंदर राज में चर्चा होल कि मेहरारू तो बड़ा नीक बा। जानलो हो प्रिया जी, ई खबर दिल्ली का बाद सलाउद्दीन खिलजी को जानकारी हो गई। आ जब ओके जानकारी भेल कलश की ओ मेहरारू के देखब कैसे कैसे देखब, एक चिट्ठी लिख करके चित्तौड़ में भेजवा दिया। आ चित्तौड़ में जब चिट्ठी पहुंचा राजा रतन सेन के, राजा रतन सेन चिट्ठी को पढ़े है और ये आ गए दिल्ली। आ जब दिल्ली चले गए, सोच गए राजा की भाई बादशाह है, हमको किस लिए बुलाए हैं, काहे बदे बोलौले हुवन। आ जब राजा रतन सेन पहुंचलन दिल्ली के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी एगो बात कहलस, आवाज दे दिया कि ए राजा आप, अरे सुने में आलग पर मेहरारू बड़ा नीक बा, एक बारी हमें दिखाए दा। और जब राजा रतन सेन सुनला कि हमरे मेहरारू के देखे बदे कहत, अरे बाप रे बाप, खून खोल गया, डांट करके आवाज दे दिए, अरे बादशाह जो आप दिल के अंदर सोच रहे हैं कि मेरी औरत आपके सामने आ जाएगी, पता ही नहीं, हिंदुस्तान की नारी पर्दे से बाहर नहीं हुआ करती है। कब हुआ करती है, आन बान शान की बात आया करती है तो पर्दे से बाहर हुआ करती है। जब इतनी बात अलाउद्दीन खिलजी सुनलस, कहलस कि हम इतने कहते हैं कि अपनी मेहरारू के एक दिन खाती भेज दा, ना ही तो सर अलग धर। राजा लवट कलन चित्तौड़ में, आ जब चित्तौड़ मिलन तो बैठल उदास कहलन का अपने दुल्हन से, तजी धपर अपने यारी गई ले तब सोचे सैलानी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। धपर अपने यार गईले तब सोचे सैलानी, बिनाई देखले पाजी बादशाह न मानी हो मानी, बिनाई देखले पाजी बादशाह न मानी हो मानी, दुल्हन पूछा तो सैया का बात है बतैबा, खल का बताई हो। अलाउद्दीन खिलजी बोलौलस कलस की दुल्हन के दिखाई दा। पद्मिनी जब सुनस की दुल्हन के दिखाई दा, करीजा में बाड़ा लग गई, कहलस की सुना कुल काम कराए लिहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने हमके कतई लिया मज्जी हा। कहलक यदि अपन चेहरा ना देखबू तो हमार सर अलग कर दई, धर अलग कर दई। हे तनी भैया बैठल हुआ, जौन मेहरारू के सुहाग खत्म हो जाई हो, वो खूबसूरती लेके का करे। दुल्हन कहलस की ठीक है, जब ओकर इच्छा है तो हमें देखी जा, चिट्ठी भेजवाई दा। आ कह दिया कल नहीं परसों आई, परसों हाँ चिट्ठी चला गया, लेकिन हाँ ये तरह हमके ना देखी सरमुख, ये सरुआ सब हमके देखत हई और हम रुआ सबके देखत हई, ये तरह ना देखी। देखी कैसे, अलाउद्दीन खिलजी को खबर मिल गया, जानकारी भइल कि कहीं हर और ना तक गए, खाली शीशा में तकिया, शीशा में हाँ पद्मिनी वही शीशा में आई, ओकर परछाही केवल लौकी। अलाउद्दीन खिलजी कुर्सी पर बैठ गया, सोच गया अलाउद्दीन खिलजी, पद्मिनी कब आई, अपन दू फेक अपन लगाई के अपन जी भी हर और कह गए, अरे राजा अरे अरे कब 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 सामने आई। पद्मिनी सिंगार कह के चलल, सिंगार रस के भाव कवि लिखल, ककनी कंगना करमे खन के मुनरी अंगूरी में चढ़ाए ली हली, अरे खहरे खुशबू लहरे चोटिया छतिया पर दोनों लटकाय ली हली, अरे गरवा हरवा द्रिगमे कजरा लीलरा सिंदूरा से सजाय ली हली, अरे घुंघटा के हटा के सुघर चेहरा, अरे घुंघटा के हटा के सुघर चेहरा सिसवे में गोरी चमकाय दी हली। इतना सिंगार पद्मिनी कई के आई, जब पद्मिनी कई के आई तब उन्हें शीशा के पिछौड़े खड़ी हो गई, अब परछाही जब लौकल
अलाउद्दीन खिलजी जब चेहरा के देखला सो भैया जनाए कि 120 डिग्री ओकरे बुखार चढ़ गए करस बाह गजब अरे जवन सुननी ओसे कई गुना ही सुंदर है होश में आयल सीधे दिल्ली चला गया और जब दिल्ली गया तो दिल के अंदर को बात सोचा तो करे बेचैनी धैले है का धैले मास्टर तनी अब चढ़ जा चढ़ गल भी समझी अब होशियारी में हो जाए आखिया के पुतरिया नाचे आखिया के पुतरिया चलाते भीष्म जी चैनी हा का बेचैनी हा अरे मन ही मने में प्रणय कठाना अरे बुलावाया दिल्ली में कई के बहाना बुलावाया दिल्ली में ओके ये हो गल कि बाह बाह जितना दिन ना देखल रहे तब तो ठीक तनी मिल रही आ जब देखल हस ओकर भाथी अरे वाह बेसी चले लगा जैसे जैसे समय तो हर भाथी चलत हां ओकर भाथी नीचे ऊपर चले लगल कहीं बैठे उठे तो कहीं हाय पद्मिनी राजा गजब अरे क्या माल है गजब ओके बेचैनी हां चिट्ठी लिखल कर राजा एक बार आ जाओ दिल्ली में राजा रतन सिंह के नाम से आ जब चिट्ठी मिले राजा की तो राजा खुश होन की जना था कि कुछ इनाम उनाम दी हाँ दिल्ली अइलन आ जब दिल्ली पहुँचलन अपने सिपाहियों से कह करके अलाउद्दीन खिलजी जेल में बंद करवा दिया आ जब जेल में बंद करवाया है सोचत हुआ राजा की साले गजब कह दहलस आखिर दुल्हन के खबर कैसा मिली कैसा जानकारी हुई दोबारा चिट्ठी लिखा है कलश पद्मिनी बस अपने मरद के चाहत एगो काम कह दा गीत लगल आई गीत हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु एक बड़ा पीस की गा ता झुलनिया के गुजवा ता टूटल रोज अजवनी आई मेघड़िया छूटल राजा तैयार रहा भीष्म जी लेकिन दोबारा जब पद्मिनी के नाम से चिट्ठी गल तो मन का लिखले ह जीवनी भारी जलावा में जीवनी भारी जलावा में तरई हे हो रानी तोहार सजना नहीं जई हे हो रानी जीवन भर जलवा में रही है और रानी तुहार सजना नहीं जई है और रानी आखिर तुहार मरत जाई कैसे अरे चाह सजन के त दिल्ली में आव तय के बेरी हम उसे गरवा लगा तैयार रहा अभी सब तैयार खड़े हैं वो खुदे कांट का मूर्ति हो गए
कला के हमने मरद का चाह तो एक बार दिल्ली आ जाए अब बस खाली एक बेरी चुकिया यास किस्म का था अलाउद्दीन खिलजी कहला एक बेरी जब पद्मिनी के पता चलल चिट्ठी मिलल कहला सरे हम जाई ओकरे हिया कतई ना जीब तेरे के लानी खड़ गई भैया जवनिया जंगी जागल जौहरी ए बाबू जवनिया जंगी जागल जौहरी पढ़ते पद पद्मिनी पीर से भैली पागल कतई हम ना जाबो कमीना के सामने आखिर सोचा था पद्मिनी न जाब हमरे पति के जान चल जाई आखिर सोचा था मन में का करी आखिर देश की नारी है ना सुरहो सिंगार कैला दिल्ली तैयार हो जाए बदे जाई अपने पति के छोड़ा के लिए आज अब इतनी बात चित्तौड़ की नारी सुनी है दिल के अंदर सोचे लगली पद्मिनी के आबरू बचाया हमू चलो 1600 छत्राणी तैयार हो गई 1600 छत्राणी तैयार हुई एक डोली में एक डोली पर चार खान तैयारी भइल लोग चल देलन आखिर छत्री सोच गेलन कि का करी देश के नारी चल जन बड़ी आबरू चल जाई ऐसे बढ़िया एहन के न जा सो ठीक हमन के जल जी नारी के रूप में औरत के रूप में लोग चले ही आज अब दिल्ली अइलन अपने सिपाहियों को अगवानी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भेज दिया गया है सिपाही अगवानी करने लेकिन जो पद्मिनी का डोली है उस डोली में राजा रतन सेन के सेनापति नायक गोरा और बादल बैठे हैं सिपाही गल कल कि नहीं पहले उनके पति से भेंट करावा आज अब गैलन डोला पहुँचल कहाँ राजा रतन सिंह जहाँ बंद हुआ देखला कल कि ओ नारी पद्मिनी तू आ गई नहीं क्या तुझे चित्तौड़ में जहर नहीं मिला खा करके मर गई होती आज अपनी आबरू गवाने के लिए इस कुत्ते के सामने चली आई नहीं चल हर जा समझ गया सेनापति नायक राजा साहब सोच रहे हैं कि रानी साहिबाई है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है धीरे से पर्दा हटाई कलन की राजा साहब जो देखा तो कुल रानी ना ही बल्कि चित्तौड़ के छत्री हो जल्दी निकली सिपाही के जानकारी भेल कि अरे तो नारी ना ही सकुल बनावटी है लड़ाई के मैदान में लड़ाई चालू भेल राजा रतन सेन का सर अलग कर दिया धार अलग कर दिया आल्हा के लिए निकल गई अरे हो जिंदगनिया ए बाबू पानी बिना मोती होल जागा में बेकार अरे गईले चित्तौड़ के बचावे बदे पानी गर्मी खत्म होते अरे तुझे गईले राड़ावा में छत्री सरदार के मैदान में छत्री तो मारे गए लेकिन समझ गया अलाउद्दीन खिलजी कि अब तो चित्तौड़ में कोई नहीं है चला जा पद्मिनी नहीं बल्कि पूरे छत्राणियों के साथ जो इच्छा करेगा उमन मुताबिक करेंगे छत्राणियन के पता चल गया कि उनके सुहाग खत्म हो गई वही राजा साहब के किला में राजा रतन सेन के किला में चीता सजाए के छत्राणी बैठ गई सोच गए कि कमीना आई आबरू लूट ली चीता सजोले बैठल है अलाउद्दीन खिलजी अब चित्तौड़ में जाए बदे तैयारी कर लिया आज जब ही चित्तौड़ में पैर रखा तब एगो काम कर ले लोग का करी लोग संग में सोलह सौ किला में कमीनी चार आगे में जवनिया चिता में पदीमिनी चाहे चित्तौड़ में जिससे बसाए अभिमानी